Assalamualaikum, welcome to my channel. उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है PCOD और PCOS। अगर आप लोगों को इस बारे में जानना है कि PCOD क्या है, PCOS क्या है, क्यों होता है, इससे कौन सी फर्दर प्रॉब्लम जनरेट होती है और इसको किस तरह से क्योर कर सकते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस चैनल को करना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को करना है लाइक। PCOD और PCOS बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा पेशेंट की ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, जिसे आप ये कह सकते हो पानी की थैलियाँ। तो जब वो पानी की थैलियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको एक्नी हो जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं। बेसिकली जो PCOD और PCOS का इफ़ेक्ट है ना, वो डायरेक्ट नज़र आता है पीरियड्स में, क्योंकि उससे आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, इसकी कौन कौन सी रीजंस हैं, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। PCOD और PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो क्या होता है कि औरत की बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस। लेकिन इन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपके बॉडी को अपनी फंक्शन को रन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन चाहिए होते हैं। अब कुछ लोग जो डाइट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ देते हैं कि हाँ भी हम डाइट पे हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं मिल रहे होते, तो आपकी बॉडी फैट से अपनी एनर्जी पूरी कर रही होती है, अपने फंक्शन को रन कर रही होती है, डाइट भी हो गई, वेट भी लूज़ हो गया, लेकिन बैक स्टेज क्या हुआ कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। उससे क्या होगा, आपका वेट कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक सिम्टम है PCOD और PCOS का, एक सिम्टम है कि आपका वेट सडन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। अब वेट की अगर मैं बात करूँ तो वेट में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक ये बात कि PCOS और PCOD है तो इस वजह से आपका वेट बढ़ा है, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका वेट बढ़ा है इस वजह से ही आपको PCOS और PCOD है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग सबसे पहले अपना वेट कम करो, उसके बाद आपको PCOD या PCOS के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे। पीरियड्स की बात करें कि वो PCOD और PCOS से कैसे लिंक्ड है, तो जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, PCOD PCOS का मसला आपको स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कुछ बच्चों में शॉर्टर पीरियड्स का इश्यू हो जाता है, कुछ को इरेगुलरिटी, और जो लोग इरेगुलरिटी को ध्यान नहीं देते हैं तो उनका नेक्स्ट स्टेज में एब्सेंट पीरियड पे चला जाता है। अगर तो आप लोगों को पता है कि पीरियड्स की इरेगुलरिटी क्या होती है, एब्सेंट पीरियड क्या होते हैं, शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड्स क्या हैं, तो ठीक। अगर नहीं पता है तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वो जाके देख सकते हो। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए कौन सी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। PCOS और PCOD के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, वो है बालों का गिरना, थकावट फील होना, सबसे मेन एक्नी का हो जाना। जब एक्नी होती है, स्पेसिफिक एक्नी कौन सी, जो आपकी जॉ लाइन पे होती है, जॉ लाइन के नीचे जो एक्नी हो रही होती है वो होती है PCOS और PCOD की वजह से होती है। नॉर्मल आपके चेहरे पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली आपकी जॉ लाइन पे, आपकी चिन पे बाल हो जाते हैं। वेट का बढ़ जाना, मैंने जैसे पहले भी बता दिया है कि वेट किस तरह से, एक होता है वेट जो PCOD और PCOS की वजह से बढ़ा है, और एक वो वेट जिसकी वजह से PCOS और PCOD आपको है। अगर PCOS और PCOD का मसला हो तो इसका एक सिम्टम ये भी होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स या फिर पीरियड्स के अलावा भी कुछ दिनों में आपको अपनी लोअर बेली की लेफ़्ट और राइट साइड पे प्रेशर सा फील होता है, एक आपको पेन फील होता है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं ये रीज़न होती है कि आपको PCOS और PCOD है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं PCOS और PCOD होने के। अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आपको मस्ट
कोई रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन लेनी चाहिए ताकि आप पीसीओडी और पीसीओएस को वहीं पे स्टॉप कर दो। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस ऐसा मसला है ना कि अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान। आप लोगों को पीसीओएस और पीसीओडी को ख़त्म करना है, अगर आप सच में चाहते हो इसको क्योर करना, तो काइंडली अपनी डाइट को ठीक करो। अगर आपकी डाइट ठीक होगी तो ना पीसीओडी होगा, ना पीसीओएस होगा, ना ही पीरियड्स का कोई मसला होगा। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी डाइट को ठीक करो। डाइट ठीक हुई, एक्टिविटी ठीक हुई, अगर आप प्रॉपर वॉक कर रहे हो, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वॉक करो, अगर आप में पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तब तो मस्ट है कि आपको 30 मिनट्स की वॉक डेली करनी चाहिए। आप मोटे हो, कमज़ोर हो, जिस तरह की भी आपकी फिजीक है, आपको मस्ट वॉक करनी है। आप लोगों को अपनी डाइट को ठीक करना है, तो डाइट में क्या चेंज लेके आना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डाइट में आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी हैं जो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट्स का यूज़ आप लोगों को करना चाहिए, अगर आप में पीसीओडी या पीसीओएस का इशू है, अगर या फिर आपको पीरियड्स से रिलेटेड कोई इशू है, तो ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करो। जितनी ज़्यादा हो सके वेजिटेबल्स का यूज़ किया करो। इसके अलावा ग्रेन्स और ऑलिव ऑयल, आप बाकी कोई कुकिंग ऑयल यूज़ ना करो। अगर आप में पीसीओडी और पीसीओएस का सिम्टम शो हो रहा है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे पीरियड्स की डिस्टर्बेंस है, पीसीओएस और पीसीओडी का मसला है, तो आप कुछ टाइम के लिए बाकी जो ऑयल है उनको स्किप कर दो, जस्ट ऑलिव ऑयल का यूज़ करो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब पीसीओडी और पीसीओएस होता है कुछ बच्चियों में, तो उनमें हैवी पीरियड्स का इशू स्टार्ट हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे आयरन डिफिशेंसी हो जाती है। तो आयरन डिफिशेंसी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को अपनी डाइट ठीक करनी होगी। तो डाइट में आप लोगों को लेना होगा पालक, मेथी, बादाम खाओ, इसके अलावा काजू का इस्तेमाल। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी में आयरन डिफिशेंसी को ख़त्म करती हैं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है भी कॉफ़ी का, आजकल लोग नॉर्मल टी या हर्बल टी को लाइक नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों में पीसीओडी और पीसीओएस का मसला हो, उन्हें सबसे पहले तो कॉफ़ी को अपनी डाइट से निकालना है, उसकी जगह हर्बल टी या ग्रीन टी का यूज़ करना है। डाइट को ठीक करने के अलावा आप लोगों को अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी भी चेंज करनी है। एक्टिविटी क्या है कि आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको मस्ट वॉक करनी, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, आपको वॉक करनी है। एक्सरसाइज थोड़ी, बेशक थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन ज़रूर एक्सरसाइज करो। अपनी बॉडी पे मज़ीद फैट मत बढ़ने दो, उसको एक्टिव रखो। जितना आप एक्टिव रहोगे, आपकी डाइट जो है वो बहुत हल्की सी और बहुत अच्छी होगी, बहुत हेल्दी होगी। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। डाइट स्पेशली जब कर रहे होते हो, तो चीज़ों को स्किप ना किया करो, उनकी तादाद या उनकी क्वांटिटी कम कर दिया करो, लेकिन उसको प्रॉपर अपनी डाइट में से ख़त्म नहीं किया करो। तो पीसीओएस और पीसीओडी होने का रीज़न ही ये बनता है कि आपकी डाइट डिस्टर्ब होती है, या आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक मैं चीज़ों को कवर कर सकूँ, जहाँ तक मैं आप लोगों को बता सकूँ प्रॉपरली, उतना बताऊँ। लेकिन अगर कुछ भी स्किप हो गया हो, आप लोग कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को रेमेडीज़ जाननी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि कौन सी रेमेडीज़ आप यूज़ करके पीसीओडी और पीसीओएस को ख़त्म कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।